एक एप्लीकेशन ये देखे थे हम लोग, किसी भी नए क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं, नया कोई भी फिजिकल रिलेशन या फिर नया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन की मदद से। जैसे हम लोग को उस समय ये दिया रहेगा कि डिपेंडेंसी क्या है, फॉर एग्जांपल मास किस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर जो भी गिवन क्वांटिटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो दिया हुआ रहेगा, और उसके हिसाब से हम लोग डायमेंशंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक नया फिजिकल इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। और इसको हम लोग करते कैसे, जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ये देखते हैं कि होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं, यानी कि LHS का जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन, ये दोनों सेम आता है, तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इसके अलावा हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स जैसे कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, बोट्समैन कॉन्स्टेंट, उसके बाद ऐसा प्लैंक कॉन्स्टेंट, ऐसा बहुत सारा वैल्यू, ऐसा बहुत सारा डायमेंशन लोग फाइंड आउट किए थे, फिर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जिस तरह आता है कैसे हम लोग रिलेट करते हैं एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी पे, किस तरह रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ये सब हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डायमेंशन के एक दो सवाल करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फिजिक्स में, एरर पढ़ने से पहले हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ हम लोग किस तरह करते हैं, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं आज, एक दो क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे। जैसे केमिस्ट्री में एक इक्वेशन है, तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स में ही पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, ठीक है, और केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है, तो हम लोग उसका डायमेंशन फाइंड करेंगे कि जैसे अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, जैसे मान लो कि इक्वेशन है वेंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं इसको, देखो स्क्रीन पे देखो, जैसे कि एक इक्वेशन है यहाँ पे पी पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो पी में कुछ करेक्टेड टर्म आता है, ये पढ़ना है आगे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, इसको बोलते हैं करेक्टेड टर्म, कुछ पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एनआरटी। अभी इसका नाम जान लो, इसको बोलते हैं वेंडरवाल इक्वेशन, इसको बोलते हैं वेंडरवाल इक्वेशन, वेंडरवाल्स इक्वेशन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वेंडरवाल्स इक्वेशंस। तो यहाँ पे एन का लू मान लो 1 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू, इसे एन इक्वल टू 1 कर दिए सपोज, पी वी इक्वल टू आरटी सपोज ये है, ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेंडरवाल इक्वेशन। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ, हम लोग यहाँ पता करना है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ, सर आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रहा है क्या आवाज, हेलो हेलो, यस सर आ रहा है। मतलब बहुत स्लो आ रहा है क्या? नहीं सर ठीक ही आ रहा है। अच्छा, अभी ठीक आ रहा है, ओके ओके ठीक है। चलो तो मान लो कोई इक्वेशन है, ठीक है, हम थोड़ा जोर से बोलते हैं, मान लो कोई इक्वेशन है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल आर टी, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेंडरवाल इक्वेशंस। तो इसमें क्या चाहिए हम लोग को, व्हाट आर द डायमेंशन, व्हाट आर द डायमेंशन, यहाँ पे पता करना है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन क्या है आपका ए और बी का, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या डायमेंशन है, समझ में आ गया, जहाँ पे P प्रेशर और V वॉल्यूम होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, सबको पता है, जहाँ पे P क्या है प्रेशर है, जहाँ पे P को हम लोग प्रेशर ले लिए इस इक्वेशन में, वो आइडियल गैस की इक्वेशन है, V होता है यहाँ पे वॉल्यूम और R यहाँ पे गैस कांस्टेंट दिया हुआ है,
ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है आर का डायमेंशन, हम लोग को निकालना है डायमेंशन ऑफ आर, सॉरी सॉरी सॉरी, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। आर तो गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ए एंड बी का। तो देखो हम क्या बताए थे कि डायमेंशन में हमेशा क्या, बोलो, हम लोग क्या बताए थे कि डायमेंशन में हमेशा क्या करोगे, तुम एक ही क्वांटिटी को ऐड करते हो या फिर सिमिलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिसका यूनिट सेम है उसी को ऐड कर पाएंगे, जिसका यूनिट सेम उसी को माइनस कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स को, डिफरेंट डायमेंशन को। बट जब एडिशन करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए या फिर डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, जैसे कि एस इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, या फिर कोई भी इक्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट सेम रहेगा तभी तो ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग को चाहिए ए का डायमेंशन, तो ये तो प्रेशर है और यहाँ पे ए हमको पता नहीं कोई कौन, कोई भी वैल्यू हो सकता है वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको ए का डायमेंशन चाहिए, तो इस पूरे का डायमेंशन जो है प्रेशर का ही आना चाहिए, बिकॉज प्रेशर और प्रेशर को ही ऐड कर सकते हैं। तो इस पूरे का डायमेंशन किसका आएगा, प्रेशर का ही आएगा। प्रेशर क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, बाई एरिया क्या होता है, एल टू। यानी प्रेशर का डायमेंशन सबको पता है कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये होता है प्रेशर का डायमेंशन। तो यानी इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन है ये इस एम एल माइनस वन और टी माइनस टू आना चाहिए, इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन है इतना ही आना चाहिए, कितना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ए का, तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन जानते हैं क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक। यहाँ पे ये टर्म, तो इसका मतलब क्या, ये टर्म भी प्रेशर का ही होगा, अगर ये प्रेशर प्लस प्रेशर ऐड कर रहे हैं तो दिस टर्म इज ऑल्सो गिव द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तभी तो एल एच एस आर एच एस सेम होगा, यानी कि इधर भी प्रेशर ही है, इधर भी पूरा प्रेशर का ही डायमेंशन होगा। इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू, इसका डायमेंशन जो होना चाहिए वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू होना चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे इस तरह पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, वी का डायमेंशन, वी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है, यानी कि वॉल्यूम मतलब एल क्यूब होता है, एल क्यूब का स्क्वायर, लेंथ का क्यूब वॉल्यूम देगा एम माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ सॉल्व कर लो तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू और एल सिक्स, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, एम एल माइनस वन टी टू द पावर फोर, ये हो जाएगा ए का डायमेंशन हम लोग का। ऐसे हम लोग अननोन डायमेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी इक्वेशंस में, समझ में आ गया ना। ये पूरा डायमेंशन प्रेशर का होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन वो जानते हैं कि एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है, इसको हम इक्वेट कर दिए, ए बाई वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहाँ से हम लोग वी जानते हैं वॉल्यूम होता है, देन हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है, वी यहाँ पे वॉल्यूम होता है, हम लोग सॉल्व कर दिए। अब हम लोग को बी के टर्म का चाहिए, तो बी का टर्म क्या है यहाँ पे, वी माइनस बी, तो बताओ बी का कितना हो जाएगा, वी माइनस बी कौन सा डायमेंशन देगा बोलो, ये किसका डायमेंशन देगा बोलो, L3। एल थ्री देगा, वेरी गुड, वॉल्यूम देगा। तो यानी कि बी भी कितना हो जाएगा, ये भी तो एल थ्री होना चाहिए ना, तभी तो सबट्रैक्ट कर पाए हैं, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एल थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग किसी इक्वेशंस में, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग ये सब देख लिए हैं पहले ही कि डिराइव भी कर सकते हैं, इवन एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, तो बहुत सारा एप्लीकेशन है डायमेंशन का। चलो एक और सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर एक सवाल देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर इसको लिखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, चलो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है ऑप्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक वेव का इक्वेशन है, 11th क्लास में पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ वेव में, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, एंड के, ओमेगा टी और के का डायमेंशन चाहिए, ठीक है, ओमेगा टी और के का यहाँ पे डायमेंशन चाहिए। ओमेगा मतलब,
ओमेगा यहाँ पे होता है एंगुलर वेलोसिटी, और के होता है यहाँ पे वेव नंबर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ओमेगा टी और के का हम लोग को डायमेंशन चाहिए। जहाँ पे एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे टी टाइम दिया हुआ है सपोज, तो वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे सभी का अपने यूजर्स मीनिंग है, टी फॉर टाइम, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट योर डिस्टेंस, ठीक है। के अभी फिलहाल के लिए मान लो कि सम कांस्टेंट, उसका भी कुछ यूनिट होगा, बाद में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल्स में। ओमेगा यहाँ पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को चाहिए क्या, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी चाहिए। तो ये पहले ही बताया कि ओमेगा जो होगा ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट हो सकता है, ओमेगा को हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे हम लोग देखते हैं। जैसे ओमेगा होता है ना, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई f, ये भी पढ़ोगे, f इक्वल टू द 2 पाई बाई ओमेगा। f यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से ओमेगा का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा डायमेंशन क्या होगा, देखो जो फ्रीक्वेंसी का होगा वही ओमेगा का होगा, यानी कि हम लोग अगर ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई f, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा टाइम इनवर्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, ऐसे बोल सकते हैं 2 पाई बाई f। हाँ, तो यहाँ पे या फिर ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन से ही दिख रहा है, देखो इसमें इतना छोड़ो, इस इक्वेशन से ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 पाई कांस्टेंट है, तो LHS RHS सेम होना चाहिए, ये LHS और RHS सेम होना चाहिए, तो दिस इज कॉन्स्टेंट, 2 पाई इज द कॉन्स्टेंट टर्म, ये कॉन्स्टेंट होता है, इसका डायमेंशन लेस है, ये कॉन्स्टेंट का मतलब डायमेंशन लेस, ठीक है ना, ये डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन कोई मतलब नहीं। तो ओमेगा का जो डायमेंशन किसका होगा, जो फ्रीक्वेंसी का होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है टाइम इनवर्स, तो m0 l0 और t-1, ये हो जाएगा ओमेगा का, ठीक है। और पूरा जो टर्म है ना केएक्स, वो केएक्स पूरा डायमेंशनलेस होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ओमेगा निकाल दिए, तो ओमेगा टी का अगर पूछना निकालना है हम लोगों को, तो डायमेंशन हम लोग ओमेगा निकाल दिए, तो अगर हम लोग ओमेगा टी करना है, ओमेगा इंटू टी का टर्म, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का टी इनवर्स आ गया, और टी का तो टी ही होता है, तो ये भी पूरा टर्म जो डायमेंशनलेस है। देखो यहाँ से एक चीज तुमको पता चल गया कि दिस एंटायर टर्म गिव्स डायमेंशनलेस, ये पूरा टर्म जो आएगा डायमेंशनलेस आएगा। देखो ठीक भी है, यहाँ से कैसा ठीक है हम बता रहे हैं, क्योंकि साइन का ये पूरा फंक्शन है, और साइन का फंक्शन या साइन का एंगल का कभी डायमेंशन नहीं होता है, पहले ही बताए थे थीटा या फिर एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो बिल्कुल डायमेंशनलेस आया। यानी अब देखो तुमको मान लो के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तब भी तुम के वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे, देखो मान लो कि हम लोग के पता नहीं क्या है अभी, के कोई कॉन्स्टेंट है, वेव में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके मान लो नहीं पता हम लोगों को, तो हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ओमेगा टी डायमेंशन लेस आया, तो ऑब्वियस सा बात है के एक्स भी डायमेंशन लेस आएगा, तभी तो ये इक्वेशन सही होगा ना, डायमेंशन लेस माइनस डायमेंशन लेस, तो के एक्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन लेस, ये पूरा टर्म भी आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो यानी इसको डायमेंशन लेस बनाने क्या करना पड़ेगा, ये तो एल है लेंथ का डायमेंशन, तो के का डायमेंशन कितना होना चाहिए, लेंथ इनवर्स, तभी तो आपका ये डायमेंशन लेस होगा, तभी तो ये आपका डायमेंशन लेस होगा कैंसिल आउट होके, तभी आपका ये डायमेंशन लेस आएगा, ठीक है। तो यहां से एक बात हम लोग क्या बता देंगे कि जो ये के का डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 l0 सॉरी l-1 t0, तभी जाके ये डिस्टेंस एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस के को फाइंड आउट कर लिया एंड ओमेगा को फाइंड आउट कर लिया, के टी को फाइंड आउट कर लिए, डायमेंशन लेस आया, एंड ऑल्सो के एक्स विल बी डायमेंशन लेस, ठीक। तो ये इस तरह का सवाल भी आपका आता है एग्जाम्स में, इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, बहुत सिंपल डायमेंशन है, डायमेंशन बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छे से कैलकुलेशन करना है, और जितने टाइप का प्रॉब्लम बताएं उसी में ऑब्जेक्टिव आएगा, उसी तरह का, अब तो जितना सवाल हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे। एक इंटीग्रेशन टाइप का डायमेंशन निकालना नहीं बताए, तो उसको बताए थे कि कैसे इंटीग्रेशन का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स में शायद तुम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा देखो कोई दिक्कत नहीं उससे,
बस हम लोग इसका डायमेंशन निकालना देखेंगे. एक सेकेंड, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं. हाँ एक क्वेश्चन ये वाला लिखते हैं. जैसे मान लो एक सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए साइन इनवर्स ए बाई एक्स. सवाल में पूछा गया है कि क्या ये पूछा गया क्या ये डायमेंशन वाइज करेक्ट हुआ कि नहीं, मतलब इज इट इट इज इज द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट होगा क्या ये पूछा है. ठीक है, कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट होगा ये क्वेश्चंस ये पूछा गया है. तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए तुम लोगों का, क्या बोलो, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, क्या लगता है बोलो, क्या ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से सभी लोग, देखो सब लोग पढ़े हैं डायमेंशन. ठीक है, डायमेंशन में सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, सब जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से डिफरेंशियल फंक्शन जो है यहाँ पे, जो मतलब जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है, सॉरी ये जो इंटीग्रेशन का टर्म है, तो इसमें dx का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन लेंथ. एक्चुअली x मतलब यहाँ पे हम लोग चेंज इन लेंथ दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब स्मॉल चेंज इन लेंथ है. अगर आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया होगा कि बताएंगे होंगे सर कि dx का मतलब क्या होता है, dy क्या होता है, dx मतलब स्मॉल चेंज, या फिर सुने ही डेल्टा एक्स को ऐसे आप लिखते हैं बचपन से, डेल्टा एक्स इसका मतलब क्या लिखते हैं, स्मॉल चेंज. ठीक है, उसी तरह dx को लिख दिए स्मॉल चेंज इन लेंथ. ठीक है, तो ये देखिए ये भी हो जाएगा स्मॉल चेंज इन लेंथ ही हो जाएगा आपका. और a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कोई कांस्टेंट है, सपोज a यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई नंबर है, तो ये कोई कांस्टेंट हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. ठीक, ये डायमेंशनलेस हो गया. तो हम लोग चेक करते क्या इक्वेशन सही है कि नहीं. तो dx का मतलब डायमेंशन आपका कितना आ गया, लेंथ का डायमेंशन आ गया. अच्छा ये डायमेंशनलेस नहीं होगा, सॉरी हम थोड़ा यहाँ गड़बड़ बोल दिए, a का जो डायमेंशन होगा वो भी आपका लेंथ का ही डायमेंशन होगा, तभी तो सबट्रैक्ट कर पाए ना. ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशन ऑफ लेंथ ही हो जाएगा. अदरवाइज हम लोग सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ ही हो जाएगा ये. ठीक है, सेम डायमेंशन को ही सबट्रैक्ट या सेम डायमेंशन को ही हम लोग ऐड कर पाएंगे. तो आपको इस टर्म में क्या दिख रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इस टर्म में, देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो टर्म है क्या क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये. तो ये भी आपका डायमेंशन क्या आएगा, एल स्क्वायर का रूट ओवर आएगा, यानी ये भी डायमेंशन आपका लेंथ का ही आएगा. तो बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा डायमेंशन है डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगा, एल बाई एल, यानी कि इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, वन हो जाएगा, डायमेंशनलेस आ गया ये. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एल एच एस है ये डायमेंशनलेस आता है. ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. अब आर एच एस को चेक कीजिए. अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एंगल्स के एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये ए बाई एक्स, तो लेंथ बाई लेंथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपका आर एच एस में एक डायमेंशन बच जा रहा है हम लोग के पास, जो क्या हो जाएगा, वन बाई लेंथ. वन बाई ए का मतलब वन बाई लेंथ का डायमेंशन, यानी कि इधर आपका बच जा रहा है एल इनवर्स. तो ये डायमेंशन वाइज सही नहीं है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. ये आपका डायमेंशनली क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, ये सही नहीं है, डायमेंशन वाइज ये सही नहीं है, डायमेंशनल का ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो उसको याद रखना होगा. तो इधर हम लोग का क्या बोलते हैं, आर एच एस में लेंथ इनवर्स आ जा रहा है और एल एच एस में डायमेंशनलेस आ जा रहा है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. डायमेंशन लोग बहुत कुछ देख लिए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके बुकलेट में उसको सॉल्व कीजिए, जहाँ भी डाउट होगा पूछिएगा.
आपको बहुत इस तरह का सवाल मिलेगा, डायमेंशन फाइंड आउट करना, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोस कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका जो भी होगा कुछ इस तरह का सवाल, अननोन फाइंड आउट करना, ये भी देखिएगा आपको मिलेगा बुकलेट में इस तरह का सवाल सब, ठीक है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा घर में, और भी कुछ डायमेंशन होगा उसको नोट डाउन करके लिखिएगा, कैसे सॉल्व, फॉर्मूला देख के कैसे सॉल्व आउट सॉल्व करेंगे, या फिर जो अननोन इक्वेशन या फिर फॉर्मूला को डिराइव करते विद हेल्प ऑफ डायमेंशन, वो सब देखिएगा। तो आगे आप लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा आज, और राउंडिंग ऑफ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से एरर शुरू करेंगे, ठीक है? एरर बताएं क्या होता है। तो हम हेडिंग में लिख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कुछ रूल है जिसको याद रखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप लोग के नीट के एग्जाम्स में ये सब सवाल जरूर आएगा, एक क्वेश्चन डायमेंशन से और एक सवाल एरर से, या तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर से। तो 12 नंबर का सवाल, 12 मार्क्स का क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से, छोटा सा यूनिट है उससे आ जाएगा, और सभी लोग इसको 12 आउट ऑफ 12 ला सकते हैं अगर थोड़ा बढ़िया से पढ़ लिए तो। सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते, सपोज मान लो कि तुमको हम बता रहे हैं कि जी का वैल्यू जो 9.8 है, ठीक, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस हम लोग अब लैब में एक्सपेरिमेंट किए तो हम लोग को एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं मिलेगा, 9.8 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? सपोज हम लोग को 8.99 कुछ मिला, ये 8 या फिर 9.23 कुछ मिला, मतलब इसके आसपास मिलेगा, या फिर 10 के आसपास मिल गया, 10.3। तो उस समय हम लोग को कुछ ऐसा डिजिट मिलता है जो कि हम लोग को थोड़ा डाउटफुल लगता है, ठीक है? मतलब हम लोग उस समय जो भी मेजरमेंट लेते हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग को एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट करना पड़ता है कि एरर कम आए। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, हम लोग मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं कि जिस डिजिट पे हम लोग कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से, यानी कि डाउटफुल डिजिट्स को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, या तो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, जैसे मान लो हम लोग का आंसर आया 10.333356 ऐसा कुछ, तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है? तो इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का जरूरत पड़ता है यहाँ पे, और राउंड ऑफ करने का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, मतलब जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस है। लार्जेस्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसको हम लोग मेजरमेंट से ऑब्टेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ इसका रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा बता देते हैं कि सिग्निफिकेंट लिखेंगे कैसे। क्या बोले कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब डिजिट का नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ डिजिट बताएगा, जितने डिजिट तक हम लोग कॉन्फिडेंस है, मतलब इतना आएगा इसमें एक्यूरेट टाइप का है, उस तरह की चीजों पे। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कुछ रूल होता है, ठीक है? तो कुछ रूल होता है, सबसे पहले इसका कुछ हम लोग रूल लिखते हैं, ये रूल को बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ताकि हम लोग इसको जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि बार बार देखना ना पड़े, तो याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ रूल होता है, सबसे पहले रूल वन याद रखना। रूल वन में क्या बोलेंगे हम लोग, रूल वन में हम लोग बोलते हैं, केमिस्ट्री में ही पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है? रूल वन में बोलते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, उसको याद रखना, ठीक है? पढ़े हैं क्या पहले सर? केमिस्ट्री में है स्कूल में, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, स्कूल में ही पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, हाँ, ठीक है? तो फिजिक्स में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं रूल वगैरह, क्योंकि एरर में काम आएगा, तो हम ज्यादा इस पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सब आप लोग पढ़ते ही हैं, तो फटाफट हम बता देते हैं।
तो सभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, आपका जो भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे 42.3 है तो कितना सिग्निफिकेंट होगा इसमें, बोलिए कितना हो जाएगा। हाँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल मान लीजिए ये 243.4 लेते, इसपे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब रूल 2 तो फटाफट लिख लीजिए, आप लोग जानते ही हैं सब, एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रूल 2, रूल 2 पता है कि नहीं, सर, जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, ये भी हो सकता है, वेरी गुड। या फिर हम लोग रूल 2 में इसको भी लिख लेते हैं, सब सारा रूल जो एक एक करके आएगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर। कब जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा बताओ सर, जब दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाएगा। वेरी गुड, जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर बिटवीन, इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। टू नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है 5.03, ठीक है, या फिर 5.604, ऐसा कुछ, ठीक। तो इस तरह में जीरो क्या आ जा रहा है, जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। जैसे 5.03 लेंगे तो इसके पास कितना सिग्निफिकेंट होगा, इसको 3 सिग्निफिकेंट बोलेंगे। हाँ, 3 हो जाएगा, ठीक है, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये नॉन जीरो के बीच में आता है। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, दो रूल हो गया, ज्यादा रूल नहीं है, 3-4 रूल है इसमें, जल्दी से लिख देते हैं हम लोग। फिर रूल 3 बताइए, और कुछ रूल याद है, बोलो, और कोई रूल याद है तो बोलो। रूल 3 में क्या लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो हेलो सर, कहाँ चले गए, भाग गए सर, जा हमने गार्डन में चुटकियों से आता है कभी। अरे सर छोड़ दिया, छोड़ के भाग गए। खाना खाने भाग गए सर। अरे पहले बहुत बचा था, अब सब कहाँ गया, आपको दिखता है फिर। हेलो, आवाज आ रहा है सभी को, सर नेटवर्क चला गया था, सॉरी, नेटवर्क का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चलता है। देखो स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को, हाँ सर, ठीक है, ओके। तो रूल 3 क्या बता रहे थे कि लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, क्या ये सिग्निफिकेंट होगा, बोलो, नहीं होगा, ठीक है, आर नेवर सिग्निफिकेंट।
are never significant. जैसे मान लो example के लिए, suppose हम लोग example लेते हैं कि 0.543, तो lead में मतलब जिसके आगे zero है, lead कर रहा है zero अगर, या फिर 0.045, या फिर 0.006, ठीक, इसके पास कितना होगा? पहले वाले example में होगा 3 significant figure, SF लिख देते sort में, ठीक, significant figure. इसके पास कितना होगा बोलो, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट होगा बोलो? टू हो जाएगा. बोलते रहना, नहीं तो हमको लगता है कि चला जाता है नेटवर्क बार बार, हमको देखना पड़ता है. ठीक है, आंसर दे देना. इसमें कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा. ये आपका रूल थ्री था. रूल फोर बोलिए क्या होगा. रूल फोर से लोग सुने होंगे, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट. थियोरेटिकल चीज है, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. रूल फोर क्या होता है? अच्छा, अगर मतलब एंड पे जीरो रहेगा, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेलिंग अगर जीरो रहे तो क्या सिग्निफिकेंट होगा? होगा सर. होगा कि नहीं? होगा. हाँ, हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. ट्रेलिंग जीरो पे होता है, याद रखिएगा. तो हम लोग बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब सबसे एंड पे, ट्रेलिंग जीरो. और ऐसे बोलते हो, और जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू द राइट. टू द राइट आर सिग्निफिकेंट. ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंट होता है. जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, एग्जांपल के लिए मान लो ऐसा कुछ, जैसे मान लो कि 4.330, ठीक, या फिर 433.00, या फिर 343.000. तो इसमें बताइए पहले में कितना सिग्निफिकेंट होगा? 4 हो जाएगा. दूसरे बताइए? 5 हो जाएगा. वेरी गुड. लास्ट वाले में 6 हो जाएगा. ठीक है ना, तो इसको याद रखना, राउंड ऑफ करने में भी काम आएगा सब चीज. एक लास्ट है बस, एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाला. ठीक है ना, एक लास्ट है बस एक्सपोनेंशियल नोटेशन का. तो ये याद रखिएगा, रूल 5. रूल 5 इसमें याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल in exponential notation, the numerical, ek second rukiye, the numerical, the numerical portion gives the number of significant figure. न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर देगा. मान लीजिए इस तरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे 1.32 × 10⁻², या फिर मान लीजिए लिखा हुआ है 1.34 × 10⁴. तो इसमें आपको बस किसको लेना है? सिर्फ जो एक्सपोनेंशियल मतलब जो नंबर्स फॉर्म में उसी को लेना है. मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन न्यूमेरिकल पोर्शन को सिर्फ लीजिएगा, इसको सिग्निफिकेंट नहीं लेना है जो पावर में है. ठीक है, इसको नहीं लेना है. तो यहाँ पे आपका कितना सिग्निफिकेंट रहेगा? 3 हो जाएगा. तो इसका आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको लेते हैं. कौन सा पोर्शन को ले रहे हैं? ओनली ये वाला पोर्शन को लेते हैं, दिस वन. सिर्फ ये वाला पोर्शन ले रहे हैं. ठीक है, इसमें भी आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो ये कुछ रूल था सिग्निफिकेंट फिगर का. हम लोग राउंडिंग ऑफ का रूल देखते हैं, ठीक है, फटाफट, और फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे इससे रिलेटेड. इसमें भी आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ देता है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, और इसका यूज में देखिएगा, एरर वाले चैप्टर में इसका बहुत यूजेस है. तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे फटाफट, स्कूल में ही पढ़े हैं या फिर केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. तो चलिए, इतना तो लिख लिए हैं. अब देखिए, एक रूल होता है राउंडिंग ऑफ का. क्या ये पता है किन्हीं को? बताइए,
राउंडिंग ऑफ का पता है कि नहीं? बोलो राउंडिंग ऑफ का पता है किसी को? रूल नहीं पता है? कुछ कुछ राउंडिंग ऑफ यूज करना ऐसे, मान लो एग्जांपल, बस हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता दे रहे, एग्जांपल से बता दे रहे कैसे करोगे। जैसे मान लो एक डिजिट को ड्रॉप कर दिए हैं, मतलब एक डिजिट ड्रॉप कर देंगे यदि हम लोग को लेस देन 5 हो। जैसे मान लो एग्जांपल से बता रहे, देखो जैसे मान लो x इक्वल टू तुम्हारे पास दिया हुआ ये 7.82, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, इसको इज राउंडेड ऑफ टू 7.8 करेंगे। ठीक, क्यों ऐसा किए? 7.8 राउंड ऑफ कर दिए, 7.82 को हम लोग 7.8 राउंड ऑफ कर दिए। और यार एक और एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि एग्जांपल में एक है 3.94, इसको कितना राउंड ऑफ करेंगे? 3.0 नहीं, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 3.9 सर, सॉरी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं बोलो तो? सर 5 से वो लेस है। हां 5 से लेस है, सबको पता होगा। तो याद रखना पहला रूल में, इसका पहला रूल में याद रखना कि यदि मतलब हम लोग ड्रॉप कर देंगे, मतलब एक डिजिट को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लिख लो, कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड इज द लेस देन 5, इज द लेस देन 5, अब जो प्रीसीडिंग डिजिट रहेगा ना वो अनचेंज रहेगा, तो प्रीसीडिंग डिजिट रहेगा लेफ्ट में वो अनचेंज रहेगा, मतलब ये 7 अनचेंज है, यहाँ पे 3 अनचेंज है, तो इसको लिख नहीं रहे, और ये तुमको पता ही होगा। रूल 2 देखो क्या होता है, रूल 2 लिखे यहाँ पे, रूल 2 लिखते हैं, जैसे मान लो कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड Digit to be dropped कब ड्रॉप हो जाएगा? यदि मोर देन 5 रहेगा, मतलब ये डिजिट अनचेंज था, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये डिजिट तो अनचेंज था, ये प्रीसीडिंग डिजिट जो अनचेंज रहता है इसको याद रखना, लेकिन यदि मोर देन 5 रहेगा ना, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड If more than 5, ठीक है, तो क्या करेंगे, preceding term जो होगा, then the preceding term will increase by 1. Yes, very good. Preceding term जो होगा, ठीक है, ठीक से लिख लेना थोड़ा, digit is raised by 1, या फिर term या फिर digit जो भी हो, is raised by या increased by by 1, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x इक्वल टू 6.87, तो ये कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके? 6.9 हो जाएगा, इसको राउंडेड ऑफ करके हम लोग 6.9 लिख देंगे, ठीक है, ऐसा तो बेसिक चीज है, बट ठीक है तब भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मतलब कभी एरर ना आए, एरर के क्वेश्चंस में राउंड ऑफ करना बहुत यूज आएगा, तो इसलिए बता देते सब लोग ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी तरह के एरर के सवाल में। बहुत बेसिक सब बात है, मतलब थ्योरी टाइप का याद रखना है बस, समझ में आ गया ना? 6.9 हो जाएगा, या फिर मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा 12.78, तो बोलो कितना आ जाएगा ये? 12.8 हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा रूल में याद रखना कि अगर मान लो डिजिट को हम लोग ड्रॉप करना पड़ेगा 5 से, कब? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा गड़बड़ आ गया, रुको, 5 फॉलोड बाय, ठीक है, बाय डिजिट्स,
अदर देन जीरो, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन जीरो, ठीक है? अगर जीरो से कोई और है, मतलब फाइव के बाद कुछ और डिजिट है, फाइव के बाद अगर जीरो से कुछ और डिजिट है तो क्या हो जाएगा, फिर से प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, बोलो याद है? फिर से प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म या डिजिट जो भी है इज रेज्ड बाय क्या, वन, ठीक? इसको याद रखना। जैसे मान लो एग्जांपल इसका देखो, मान लो इस तरह कुछ है, जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है ना यहाँ पे 16.351 मान लो कुछ लेते हैं x का वैल्यू। तो देखो ये टर्म जो है ना ये तो 5 है, लेकिन 5 के बाद फॉलोड, मतलब 5 के जस्ट बाद यहाँ पे ये 1 नहीं है, मतलब सॉरी 0 नहीं है, अदर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा? तो प्रीसीडिंग टर्म को हम लोग एक इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है? 16.4 हो जाएगा, 5 को भी हटा देना है, डायरेक्ट टू डिजिट में अगर राउंड ऑफ करना है तो 16.4 हो जाएगा। इसको जब राउंड ऑफ करते इज राउंडेड ऑफ टू इट इज डायरेक्ट 16.4, मतलब दो डिजिट अगर राउंड ऑफ करना होगा तो 16.4, ठीक है? अगेन एक एग्जांपल लेते, सपोज x इक्वल टू है 6.758, इसको राउंड ऑफ करना है अगर तो कितना हो जाएगा, बोलो, टू डिजिट तक? 6.8। तो यही सब चीजें बस इसको याद रखना है, ठीक है? चलिए अब चौथा इसका रूल डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। चौथा रूल देखिए, यदि मान लीजिए इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय 5 is 5 or followed by 0, sorry, is 5 or followed by 0, 5 है या फिर followed by 0 है, मतलब 5 के बाद 0 है, तब क्या हो जाएगा ये? तब then the preceding term will increase by 1, will not change. हाँ, very good, preceding term या reach जो होगा वो unchanged हो जाएगा, is left unchanged. तो ये रूल सब याद रखना, एरर के सवाल बनाने में काम आएगा, ठीक है? एरर अभी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स में, ठीक है? अनचेंज, तो सारा टॉपिक जो 11 12th का है सभी में नीट का 45 क्वेश्चन टोटल बनता है, हर टॉपिक से एक सवाल मिलेगा, तो इसलिए सभी को अच्छे से पढ़ना है। इफ इट इज अनचेंज कब होगा, यदि इवन है तब, ये भी याद रखना, मतलब तभी अनचेंज होगा अगर इवन है तो, ठीक है ना? इफ इट इज इवन तब अनचेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, जैसे x इक्वल टू सपोज दिया हुआ है ना यहाँ पे 3.250, ठीक? तो यहाँ पे क्या है ये 5 के जस्ट बाद 0 है, तो ये हो जाएगा 3.2 राउंड ऑफ करके, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3.2, ठीक है ना? 3.2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये इवन है, तो इवन है तो ये अनचेंज यहाँ पे है, मतलब ये इवन है, ये 2 यहाँ इवन है, तो इसी वजह से अनचेंज रह गया, ठीक है ना? ये इवन है, 2 इज द इवन, दिस विल बी 5 एंड फॉलोड बाई 0, तो ये यहाँ पे चूंकि इवन है इसलिए अनचेंज रहेगा। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, सपोज मान लो x इक्वल टू, एक एग्जांपल और दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ मान लो 12 पॉइंट कुछ भी ले लो, 650 मान लो, ठीक है? तो देखो ये भी, हाँ ये भी इवन है 6, तो राउंडेड ऑफ टू डायरेक्ट 12.6, ठीक है ना? इस तरह याद रखना पड़ेगा। चलिए एक लास्ट रूल बस है,
ये आपका ये भी खत्म हो जाएगा। पांच रूल इसमें याद रखिएगा। लास्ट रूल क्या है देखो, जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ठीक है इस फाइव और फॉलोड बाय फाइव followed by 0 sorry 5 kya bolti hai followed by 0 hoga na followed by 0 then the followed by 0 then the preceding term is raised than raised by 1 preceding term ya fir digit is raised than 1 kab hoga aisa sir jab odd hoga yes jab odd hoga raised by 1 sorry raised by 1 if it is odd to ye baat pe dhyan dena odd hai yahan pe theek hai odd hai simple sa logic hai ye chaliye to isko yaad rakhiyega iska example dekhte ho jaise maan lijiye x ka value diya hua hai 3.750 तो इसको आप राउंड ऑफ करके 3.8 लिखिएगा ठीक है इसको आप राउंड ऑफ करके इसको आप राउंडेड ऑफ करके लिखिएगा 3.8 क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑड है आपका यहाँ पे ये ऑड है ना तो एक एक से बढ़ जाएगा ये ऑड होगा तो प्लस वन हो जाएगा आपका और इवन होगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा ठीक है तो बस ये सब छोटा छोटा बात जिसको याद रखना है फिर आपका मान लीजिए एग्जाम्पल 16.150 है तो 1 भी तो ऑड है ना 16.2 होगा ना हां सर ये 1 से बढ़ जाएगा ऑड है तो बस ये आपका कुछ रूल था राउंड ऑफ करने का वो कुछ था सिग्निफिकेंट फिगर का ठीक है तो बस इस तरह कुछ कैलकुलेशंस कीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर का चलिए कुछ कैलकुलेशन सिखा देते हैं जैसे मान लीजिए कि चलिए कुछ कैलकुलेशन सिखा देते हैं यहां पे कुछ एडिशन करना मान लो ठीक तो जैसे यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है 3.33 को और इसको ऐड करना है सपोज 3.11 के साथ तो इसमें क्या है इसमें देख रहे हैं ओनली 1 डेसिमल प्लेस है यहाँ ठीक है ना 1 डेसिमल प्लेस है समझ में आ गया इसको आपको ऐड करना है सपोज 0.313 है तो 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस है तो सीधा आपको इसको ऐड करना है आंसर को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो उसको आप ऐड कीजिएगा तो जैसे करते हैं देखिए ये आपका 3 हो जाएगा ठीक है ना तो इसको ऐड कर दिया क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा इतना आ जाएगा 3.723 इस तरह कुछ आ जाएगा सिंपल ऐड कर रहे हैं आप तो इसको बोलिए राउंड ऑफ करके आंसर को क्या लिखिएगा जल्दी बोलिए तो बोलो 36.8 कितना 36.8 क्यों 7 होगा ना ओह यस सर 36 राउंड ऑफ का रूल देखिए ये होगा ना राउंड ऑफ करके बोलिए 7 होगा 8 होगा सर 7 होगा 7 होगा समझ में आ गया ना क्योंकि राउंड ऑफ का रूल याद है ना अभी बताया जस्ट 2 है यहाँ तो ये होगा आपका राउंड ऑफ करके तो ऐसे कैलकुलेशन करके फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ठीक तो चलिए एग्जांपल 2 जैसे मान लीजिए करना है सर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट क्यों लिए दो डिजिट राउंड ऑफ किए इसको ठीक है ना ओनली 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ किए हम लोग इसको ओनली हम लोग
वन डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है? प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। चलिए इसको बनाइए, 3.1421 है, इसको भी आप, इसको आप टू डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिएगा। चलिए 3.1421 है, फिर आपको इसका ऐड करना है 0.241 और प्लस ऐड करना है मान लीजिए 0.09। इसको बताइए आंसर क्या होगा राउंड ऑफ करके, और इसको आप राउंड ऑफ कीजिएगा टू डेसिमल प्लेस तक, या फिर वन तक ही कीजिए, छोड़िए वन तक ही कीजिए, नहीं टू तक कर लीजिए, टू तक। इसको आप टू डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिएगा। चलिए बोलिए जल्दी आंसर क्या होगा। 3.47। हाँ 3.47। अच्छा 47 है ना, 47 आ जाएगा ना? Yes sir. 3.4371 आता है यहाँ पे, 4.731 ऐसा कुछ आएगा। अब इसको राउंड ऑफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3.47 हो जाएगा ना, ये यहाँ 3 है तो 5 से तो कम है, 7 ही रहेगा। देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ करिए, आपका आंसर आएगा। तो इस तरह राउंड ऑफ करना है आपको, ठीक है? चलिए एक और देते हैं, इस तरह राउंड ऑफ करना है तो एरर में काम आएगा, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, एरर में काम आएगा, ठीक है? 62.831 है और माइनस करना है आपको यहाँ पे 24. इसको आप 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिएगा, ठीक? 24.5492 है मान लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए इसको आप 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। राउंड ऑफ कीजिए 3 डेसिमल प्लेस तक। हाँ वेरी गुड, सभी लोग समझ ही गए होंगे उसमें क्या है, और ठीक है ना, बेसिक सा बात है, सबको याद रखना है, हो गया होगा सबका ना, 38.282, ठीक है, 38.282 हो जाएगा। चलिए इसको लिख देता हूँ, इसका रिजल्ट डायरेक्ट, इसका आंसर यहाँ पे आएगा आपका माइनस करने से कितना, 38.2818 आएगा, और राउंड ऑफ करके जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 38.282, या आपने 3 डिजिट तक राउंड ऑफ किया। इस तरह मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो भी कीजिएगा राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलिए एक छोटा सा सवाल है, चलिए जल्दी बनाइए जल्दी से एकदम सब लोग। क्वेश्चन 1, मान लीजिए कोई क्यूब है, उसका साइड दिया हुआ है, ठीक है? कितना साइड दिया हुआ है, 7.203 मीटर। इसका वॉल्यूम निकालो और राउंड ऑफ करके, वॉल्यूम भी मतलब वॉल्यूम बोल दिए, ठीक है? और राउंड ऑफ कर दीजिएगा इसको, ठीक है? एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एक ही डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ कीजिएगा। चलिए निकालिए तो क्या वैल्यू होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है ना, सब लोग सुन रहे हैं ना? राउंड ऑफ कीजिए जल्दी। आपका एक साइड दे दिया क्यूब का, मान लीजिए 7.203 मीटर, तो वॉल्यूम निकालिए राउंड ऑफ करके। थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट
ठीक है, वेरी गुड, ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब सॉल्व करने में. चलिए तो इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा बार वॉल्यूम के लिए, है ना, एक क्यूब कर दीजिएगा. तो करने के बाद इसको राउंड ऑफ करके आंसर हम लिख देते हैं. आंसर इसका आ जाएगा आपका फाइनल 373.7 करके राउंड ऑफ करने के बाद, इतना मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा. तो अभी कोई गलती नहीं होगा राउंड ऑफ पे, सीख गए राउंड ऑफ करना, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, तो ये सब यूज कीजिएगा आप लोग एरर में. एरर थोड़ा डिफिकल्ट मतलब क्या, एरर में भी रूल है, कैलकुलेशन बढ़िया से करना पड़ेगा एरर में, ठीक है, एरर में कैलकुलेशन करना पड़ेगा. चलिए अब कुछ जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा ना, कोई सवाल दे देगा, उसमें बोलेगा कि ये बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई ऑब्जेक्टिव दे देगा, फिर बोलेगा कि कुछ इस तरह का सवाल पूछता है कि सिग्निफिकेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, इस तरह कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा. अच्छा एक दो क्वेश्चन और आपका आपको बताते, देखते बना पाते हैं कि नहीं, रुकिए. हाँ चलिए एक क्वेश्चन ये वाला देते हैं आपको. चलिए मान लीजिए एक सवाल देखिए, तो इसको बनाइए तो लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर कुछ है, मान लीजिए 2 लेते हैं, ठीक है. इसमें बोला गया कि रेजिस्टेंस मान लिया दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस दिया है 10 पॉइंट दिया गया है 845 ओम, ठीक है ना, और करंट आपका दिया हुआ है सपोज, जिनका पहला क्लास अगर किन्हीं का होगा तो उनको भी समझ में आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर से, हो सकता है डायमेंशन समझ में नहीं आया होगा, तो डायमेंशन का प्रीवियस वीडियो देखिएगा, रिकॉर्डेड है और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा. तो 3-4 क्लास डायमेंशन का हुआ, एक बार वीडियो देखिएगा तो तुरंत समझ में आएगा, बहुत बेसिक चैप्टर था और उसको अच्छे से बताया गया है. तो जिनका नहीं पहला क्लास होगा वो देख लीजिएगा एक बार. तो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई टर्म ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है, ठीक है. क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस, मतलब जो गिवन है स्क्रीन पे, और द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.845 ओम एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 3.23 एम्पियर, और द पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए वी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका दिया हुआ है 35.02935 ऐसा कुछ है, इतना वोल्ट, ठीक. फाइंड इट्स वैल्यू इन सिग्निफिकेंट नंबर, तो आपको क्या बोलना है, फाइंड इट्स वैल्यू इन सिग्निफिकेंट नंबर, सॉरी रुकिए, फाइंड इट्स वैल्यू, सभी का वैल्यू, करंट का, वोल्टेज का, सब इसका, पोटेंशियल का, फाइंड इट्स वैल्यू इन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर. चलिए निकालिए जल्दी से सभी लोग, ठीक है. कितना डिजिट तक, सिग्निफिकेंट नंबर में, सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोले, फिगर में सॉरी, मतलब आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करने नहीं बोले हैं, फाइंड द वैल्यू इन सिग्निफिकेंट नंबर बोले हैं, जो ठीक है सर, ठीक है. सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होगा इसका, चलिए बनाइए सब लोग. बोलिए जल्दी, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बोलिए. राउंड ऑफ कर लीजिए पहले, जैसे राउंड ऑफ करना हो तो पहले इसको राउंड ऑफ कर लीजिए आप लोग, पहले क्या कीजिएगा, पहले इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, ठीक है ना. राउंड ऑफ करने के बाद बोलिए कि सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना आएगा, मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, फिर बताइए. ये आपका सवाल है, पहले राउंड ऑफ कर लीजिए. राउंड ऑफ करने का तरीका आपको पता है, राउंड ऑफ कीजिए सबको. कितना डी तक कीजिएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक कीजिए. का
देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए एक रूल आपको बताते हैं, जैसे करंट को आप क्या लिखते हैं, वी इक्वल टू सॉरी ओम्स लॉ क्या लिखते हैं, वी इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना, तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ के भी करंट का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। मैक्सिमम करंट का सिग्निफिकेंट फिगर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए करंट का बोलो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलो सर थ्री थ्री है। तो करंट का अगर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है तो तुमको रेजिस्टेंस का भी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे राउंड ऑफ करके रेजिस्टेंस को भी तीन ही लिखना पड़ेगा तीन में, तभी तुमको वोल्टेज में भी कितना मिलेगा तीन सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, तभी तो इक्वेशन मतलब एक फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपका टू डिजिट तक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किया हुआ है। तो उस हिसाब से आपको सबका थ्री थ्री सिग्निफिकेंट करना होगा, कि मिनिमम सिग्निफिकेंट आपको यहाँ पे किसका दिख रहा है, इसी का दिख रहा है जो आपका करंट का है। तो यानी कि आप वोल्टेज को भी दो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो बताइए राउंड ऑफ का कितना आएगा, सिग्निफिकेंट क्या होगा उसका, बोलिए वोल्टेज का राउंड ऑफ करके कितना आएगा और सिग्निफिकेंट क्या लिखिएगा। So 35.03. Very good. 35.03 ना? 35 point कितना? 35.0. ठीक है ना? तीन सिग्निफिकेंट फिगर निकला ना आपको, तो तीन तक लीजिए। 03 में क्यों कीजिएगा राउंड अप, आपको क्या करना है तीन ही तक लिखना है ना, आपको इसका भी कितना चाहिए सिग्निफिकेंट। और देखिए अगर जीरो, ये बताओ जीरो टेल पे होगा तो उसको ऐड करते हैं कि नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में? यस सर। देखो यार रूल लिखे है ना कि समझो क्वेश्चंस को क्या है, जैसे जैसे आंसर कोई भी इसका आंसर क्या बोलेगा कि 0.35.03 बोल देगा, तो इसमें हम लोग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि तीन सिग्निफिकेंट फिगर में सबको लिखना है कि करंट का मिनिमम तीन ही है, तो रेजिस्टेंस का भी तीन होगा वोल्टेज का भी तीन ही होगा, तभी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेट मतलब हम लोग किए हैं दोनों तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि ट्रेलिंग पे जीरो रहता है, देखो यहाँ पे रूल कहाँ गया, ऊपर है ना, हाँ ट्रेलिंग पे जीरो होने से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे चार, तो यहाँ पे ट्रेलिंग पे जीरो था तो इट कैन बी कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको भी आप सिग्निफिकेंट ही मानिएगा। तो आंसर वोल्टेज का लिखिएगा 35.003 नहीं, क्योंकि इसका आपका तीन सिग्निफिकेंट फिगर है इसी वजह से, क्योंकि इसका भी आपका तीन ही है, ठीक है ना। तो इस तरह सवाल को बनाइएगा, जैसे राउंड ऑफ करना सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई कीजिए जल्दी सब लोग बनाइएगा, ठीक है सब कर लीजिएगा, और क्या है इसमें। चलिए इसको देखिए, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, रुक जाइए ये क्वेश्चन है, इफ द रुकिए यहाँ पे, इफ द हाँ चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करना है यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, 3.124 को मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 4.576 के साथ। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बस सिग्निफिकेंट फिगर मुझे बता दिया राउंड ऑफ करके, तो टाइम लगेगा बहुत, ऐसे कर लीजिएगा घर में, लेकिन अभी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, जेई में मेडिकल में किसी में या फिर क्लास 12 तक, लेकिन अभी आपको टाइम बचाने के लिए बोल रहे हैं, बट ट्राई कीजिए हाथ में ही करने का जल्दी से। इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिएगा, करेक्ट कीजिए अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट अप टू थ्री, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, ये कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके आप करेक्ट कीजिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक, सर 14.3 कितना आया, यस सर 14.3 अच्छा रुको हम करते हैं, हाँ वेरी गुड 14.3 इज द आंसर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक कलेक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 14.3 आ जाएगा, ठीक है वेरी गुड। तो सब आप लोग सीख गए सब चीज, कभी भूलिएगा नहीं, और ये आपका थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है, 10 मिनट में सीखने का चीज़ है, मतलब आज के क्लास के बाद एक बार 5 मिनट बस देख लीजिए घर में अभी, तो सब याद रहेगा। और इसको यूज कीजिएगा एरर में, जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जब, तो आपका कितना आएगा बोलिए, कितना कितना आ रहा था बोलिए तो मल्टीप्लाई करने से, 14.295 हाँ 14.295 आ रहा था मान लीजिए।
अब देखिए इसको आप राउंड ऑफ कीजिएगा तो 3 तक, तो 3 डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो सब लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग डायमेंशन में एक बार बताए थे क्या क्या देखें, जिनका छूटा हुआ है किन्हीं का भी पहला लेक्चर देखना शुरू कीजिएगा, अगर पहला क्लास होगा आज तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला एनालिसिस, फिर इक्वेशन निकालने के लिए, फिर अननोन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, ये सब देख लिए थे हम लोग। उसका बहुत सारा क्वेश्चन देखे तो ऑब्जेक्टिव, और मतलब हर तरह का सवाल ऑलमोस्ट देखे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कुछ हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म का निकालना सीखे थे जैसे एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद परमिएबिलिटी, उसके बाद प्लैंक कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ये सब लोग देख चुके हैं। वो सब रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, वीडियो देखिएगा तो हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं तो पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर ज़्यादा फिर एक दो घंटा बैठिएगा सब हो जाएगा, बहुत बेसिक चैप्टर है। और इधर आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ सब सीख गए। तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एरर है, तो हम आज बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं, क्लास टाइम ज़्यादा नहीं है, हम ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में छोड़ देंगे और, ठीक है, 10 मिनट्स भी नहीं, हम कितना हो गया 15 ना, ठीक है, और 5 मिनट में छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट में मैक्सिमम। तो हम थोड़ा सा बेसिक बात बताए थे एरर का, फिर नेक्स्ट क्लास है तो इसके लिए छोड़ देंगे, अभी क्लास जस्ट छोड़ेंगे, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट है। तो देख लीजिए सर, पढ़ा सकते बोर नहीं होते क्या सर, बोल रहे बाबा छोड़ देंगे हम लोग बोर नहीं हो रहे हैं नहीं नहीं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, क्लास भी है 4:30 से क्लास है, और हमको लगता है बहुत लोग, अच्छा कोई कोई भागा नहीं ना है, तुम लोग 20 से भागते हो ना बहुत लोग, इसलिए हमको लगता है कि बोर हो जाते हो क्या, नहीं सर यहाँ बुखार में बारिश हो रही है तो नेटवर्क अनस्टेबल। अच्छा बारिश हो रही है, ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अगर किन्हीं को डाउट होगा तो विशाल सर से आप लोग वीडियो का लिंक ले लीजिएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है चलिए हम आगे स्टार्ट कर देखते हैं थोड़ा। तो हम लोग इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एरर है, और होमवर्क आप लोग का ये रहेगा कि पूरा डायमेंशन का सारा पैकेज बनाइए A to Z, एक दो दिन का जो समय मिलता है ना होमवर्क लिख लीजिए, अप टू डायमेंशन का, मतलब डायमेंशन जहां आपको दिखेगा पैकेज में, प्लस आपका सिग्निफिकेंट फिगर का, ये सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 50-60 जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बैठिएगा 1-2 घंटा आराम से बन जाएगा, इसको पूरा बना के लाना है, ठीक है, आज से बैठिएगा 1-2 दिन में इसको खत्म कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट्स, चलो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे मान लो कि हम लोग जनरल लाइफ में बहुत लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिजिक्स का, कोई सपोज हम लोगों के टीचर ने बोला कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किसी एक्सपेरिमेंट से हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं सपोज लैब में, तो जरूरी नहीं कि 9.8 ही आए, पूरी तरह से 9.8 कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उतना परफेक्टली सब कुछ नहीं कंसिडर करेंगे, कुछ ना कुछ एरर अपने पास डिवाइस में होगा, कुछ हम लोग के कैलकुलेशन में एरर होगा, मान लो कि उस एरर में कुछ उस डिवाइस पे कुछ प्रॉब्लम हो, लिस्ट काउंट में कुछ गड़बड़ी हो, या फिर हम लोग जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग में कोई हम लोग उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाए, रीडिंग जो नोट डाउन करना तो हम लोग का छूट गया, थोड़ा सा ध्यान भटक गया तो रीडिंग नोट डाउन करना छूट गया, तो इन सब से क्या होगा प्रॉब्लम, इन सब से कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, मतलब फाइनल जो हम लोग आंसर लाएंगे उस पर एरर आ जाएगा। तो एरर बहुत तरीके का हो सकता है, या तो हम लोग जब किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम लोग की वजह से हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन एरर समथिंग, मतलब ड्यू टू कैलकुलेशन की वजह से हो जा रहा है, मेजरमेंट की वजह से हो रहा है, या फिर हम लोग डिवाइस का जो प्रॉब्लम है, डिवाइस में कुछ गड़बड़ी है उसकी वजह से हो सकता है, हम लोग का ठीक से उसमें लिस्ट काउंट मेजरमेंट नहीं किया हुआ है या समथिंग, तो इसी वजह से बहुत सारा एरर यहाँ पे आ सकता है, बट एरर का हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। सपोज कि इस 9.8 के जगह हम लोग का 10.3 आया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें कुछ एरर है, तो कितना एरर है, कितना परसेंट एरर, उसको निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है तो उसको निकाल सकते हैं, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे हर एक वैल्यू का एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और एरर मेजरमेंट इसी को हम लोग बोलते हैं या फिर बोलते हैं एरर एनालिसिस। तो मेजरिंग प्रोसेस जो होता है एसेंशियली, वो एक कोई भी मेजरिंग प्रोसेस एक एसेंशियल प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट, हम लोग को कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगाना पड़ता है, और डिफरेंट उसका डिफरेंट वैल्यूज को मेजर करना पड़ता है, ताकि हम लोग
ऑलमोस्ट टू वैल्यू के करीब करीब मेजर कर पाए, मतलब टू वैल्यू कुछ है तो उसके ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए, नहीं कि 9.8 है हम लोग का आंसर आ गया 15 तो पूरी तरह से गड़बड़ एक्सपेरिमेंट, या फिर 4 तो आंसर पूरी तरह से गलत है, तो एरर जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट गलत हम लोग किए हैं। हाँ मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्लोज आना चाहिए ट्रू वैल्यू का। तो यहाँ पे हम लोग तीन तरह का एरर देखते हैं, पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें देखिए मान लीजिए एब्सोल्यूट इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअली ये क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग बोलते हैं कि ये कोई डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू का, मतलब जो ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग जितना वैल्यू को मेजर्ड किया उसका। तो एग्जाम्पल देखो क्या इसको बता रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, याद रहेगा। जैसे मान लो लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम लोग एन टाइम मेजर किए, बी मेजर्ड एन टाइम्स। मान लो सिंपली हम लोग टाइम ले रहे हैं, किसी चीज का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज ऑसिलेशन हो रहा है पेंडुलम को, उसका टाइम पीरियड ले रहे हैं, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट का हम लोग टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं, तो एन टाइम्स करेंगे, 5 बार 10 बार 20 बार जितना हम लोग का मन है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम रिपीट करेंगे उतना एरर आने का चांस कम रहेगा, क्योंकि हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं उसका। तो लेट अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड एन टाइम्स हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक, और मेजर्ड वैल्यू जो है ना, सपोज हम लोग हर बार जो मेजर कर रहे हो वो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू है a1, a2, ठीक है, a3 अप टू an, ये कुछ मेजर्ड वैल्यू है। तो सबसे पहले हम उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, इसका हम लोग एम निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन क्या करेंगे, a1 + a2 + a3 इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे अप टू an, और n से हम लोग डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ हम लोग क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अर्थमेटिक मीन, इसका मीन वैल्यू, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीन वैल्यू या फिर अर्थमेटिक मीन m। तो इसको ये क्या ले रहे हैं हम लोग, अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी m को हम लोग बोलते हैं, इसी अर्थमेटिक मीन जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसी एम को हम लोग बोलते हैं सपोज ट्रू वैल्यू, अभी के लिए फिलहाल बोल रहे हैं, इसको ट्रू वैल्यू लेंगे, इस टेकन एज ट्रू वैल्यू, ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालिएगा, अभी आपको चाहिए एब्सोल्यूट एरर, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, by the definition of absolute error, absolute का definition से हम लोग क्या बोलेंगे, जो delta a1 लिखेंगे ना, absolute error delta a1 ऐसे लिखेंगे, a1 a2 करके सारा term को, तो हो जाएगा जो true value है और पहला जो experiment किए थे a1 ये वाला, दोनों का difference minus a1, फिर आप लिखिएगा delta a2, तो कैसा लिखिएगा, यहाँ पे am minus a2 लिखिएगा, ठीक है, फिर लिखिएगा आप डेल्टा ए थ्री ऐसे करके, सो ऑन, इस तरह लिखते रहिएगा जहां तक परफॉर्म किए। बोलो समझ में आ रहा ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो डेल्टा ए एन क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ए एन, तो ये आपका पूरा हो जाएगा ट्रू वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, इस पूरे को आप बोलिएगा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, तो ही आपका एब्सोल्यूट एरर। तो किसी केस में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी केस में नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग को मैग्नीट्यूड लेना है। फिर अगर आपको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो क्या कीजिएगा आप, फिर आपको जब बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसे ए के ऊपर ऐसे बार, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को मॉड देना पड़ेगा, मॉड ए वन प्लस मॉड ए टू, क्योंकि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ऐसा करते करते अप टू मॉड ए एन,
ये सारे का आप मीन निकाल दीजिएगा, सारे एब्सोल्यूट एरर का आप मीन निकाल दीजिएगा, उसको आप बोलिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल जो आप रिजल्ट लिखिएगा ना एक्सपेरिमेंट का, वो कुछ ऐसा लिखिएगा, देखिए ध्यान से, जो फाइनल रिजल्ट लिखिएगा मेजरमेंट का, फाइनल रिजल्ट आप मेजरमेंट जब कीजिएगा, ठीक है ना, उसको आप ऐसा लिखिएगा, ए आपका जो भी आएगा वैल्यू उसको आप लिखिएगा एम, मतलब आपका मीन वैल्यू, और प्लस माइनस कर दीजिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एक्सपेरिमेंट में। मीन वैल्यू निकालिएगा ट्रू वैल्यू पूरा, मतलब सारे वैल्यू का आप मीन निकालिएगा तो आपको ट्रू वैल्यू देगा, और माइनस आप क्या कीजिएगा जो आपका एरर आया एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, तो आपका प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, मतलब उतना प्लस माइनस आपका एरर है उस एक्सपे, यहाँ बार है ये, इसके ऊपर एक बार है साइन, ऐसा एक बार का साइन है, ठीक है, तो कितना एरर है आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग इसका सवाल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग इसका बहुत रूल पढ़ते हैं, और जब बोलेंगे परसेंटेज आपको, या फिर जब बोलेंगे रिलेटिव एरर, इसको भी लिख लीजिए जल्दी से, जब बोलेंगे रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर को लिखिएगा, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अगले क्लास में इसका सवाल बनाएंगे, समझेंगे इसको अच्छे से, और एरर का रूल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस और दो क्लास लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे काइनामेटिक्स, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये एब्सोल्यूट एरर को लिखिएगा डेल्टा ए, लेकिन उसके पहले पैकेज पूरा बनाइएगा ए टू जेड क्वेश्चन, पैकेज बनाने का आदत डालना है अभी से, एक एक सवाल बनाना है पूरा, तभी जाके अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा कंपटीशन लेवल का। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर को लिखेगा मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मतलब ट्रू का जो मीन वैल्यू होता है। और अगर परसेंटेज एरर आपको चाहिए, परसेंटेज एरर, तो इसका 100% मतलब सॉरी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसी डेल्टा ए बाई ए को क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, इसको आपको, इसको बोलेंगे हम लोग परसेंटेज एरर, दिस कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है ना, तो एरर का बेसिक बात है ये सब। तो अगला क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, प्रोपगेशन ऑफ एरर देखेंगे, एरर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट डिवीजन करने का क्या रूल है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारा सवाल बनाएंगे इस पे एरर पे, और बस एरर का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेडिकल में कैसे आता है, किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा। चलो तो आज यहीं तक, इसको लिख लो जल्दी से, लिख लिए सब लोग, सब नोट डाउन किए हैं क्या, बोलिए, नोट डाउन कर लिए हैं, यस सर, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो फिर यहाँ क्लास हम लोग क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब देख लिए हैं, अगले क्लास में लोग सवाल बनाएंगे तो ये सब बात समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है, चलिए यहाँ से स्टॉप करते हैं, ठीक है, थैंक यू सर, ओके ओके।